मध्य प्रदेश के दतिया में अति प्राचीन श्री भैरव मंदिर, जिसे हम पंचव कवि की टोरिया के नाम से जानते हैं, वहां पुजारियों और सेवादारों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। श्रद्धालु और सेवादारों का आरोप है कि मंदिर के पुजारी का मनमाने रवैये के कारण मंदिर में सेवा और पूजा का कार्य नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है। जो साधक बाहर से अनुष्ठान और साधना करने यहां ठहरते हैं, उनसे पुजारी की ओर से पैसा लिया जाता है। इतना ही नहीं, यहां यज्ञ अनुष्ठान और दर्शन के नाम पर भी जबरन पैसा वसूला जाता है। इसका विरोध करने पर मंदिर के पुजारी मुख्य द्वार पर ताला लगा देते हैं, जो कई दिनों तक बंद रहता है। 6 साल से देख रहे हैं, कोई पुजारी यहाँ पर आता नहीं है। इनके जो परिवार द्वारा समिति बनाई गई है, वही लोग आते हैं, 3-3 महीने की सेवा बांटे हुए हैं। अब हम लोगों ने जब कंप्लेन की तो उन्होंने ताला डाल दिया माई का, सेवा नहीं करने। ये बोलते हैं कि अगर तुमने हमारी कंप्लेन की तो जी तुम लोगों को सेवा नहीं करने देंगे। पहले से कभी मंदिर से जुड़े हुए थे क्या? हाँ, ये रजिस्टर्ड पुजारी है ना, ये मोनू दुबे, सॉरी यज्ञदत्त दुबे है, उनका नाम मोनू है। ये गांजा स्मैक भी बेचते थे पहले, 1.5 साल जेल रह के आए हैं। ये डकैती के केस में भी जेल रह के आए हैं। ये इनकी जांच की जाए, और हम लोगों को मारने की धमकी देते हैं कि जंगल ही है, इसे जंगल में मार के फेंक देंगे तुम्हें हम। जिस वजह से बाहर से आने वाले भक्त, साधक और श्रद्धालु परेशान होते हैं। पंचम कवि की टोरिया पर पुजारी और सेवादारों के बीच हो रहे विवाद की जब पड़ताल की गई, तो पता चला कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालु, भक्त और सेवादारों ने मंदिर में अपना स्वामित्व जता रहे पुजारियों के मनमानी और असामाजिक रवैये को लेकर पुलिस और प्रशासन सहित बाकायदा CM को भी ऑनलाइन शिकायत की है। सेवादार और भक्तों का आरोप है कि मंदिर के पुजारी असामाजिक तत्वों को मंदिर में लाकर झगड़ा फसाद करते हैं। लोग डरे हुए हैं और भयभीत हैं, इसलिए सामने आने से डर रहे हैं। मामले की अगर जांच हुई तो निश्चित ही कोई बड़ा खुलासा होगा। मंदिर में श्री शिव, भैरव एवं श्री यंत्र पर देवी माँ तारा माँ का अति प्राचीन मंदिर है। इसके अलावा हनुमान मंदिर और अन्य हिंदू देवी देवताओं की भी यहाँ पूजा की जाती है। सर, यहाँ पे पुजारियों की बहुत मनमानी चलती है। अपने द्वारा टीम समिति बनाई हुई है 16 लोगों की, कोई 10 दिन ड्यूटी करता है, कोई 15 दिन करता है, और इनकी बात नहीं मानो या इनकी बात नहीं सुनो, सेवा नहीं करो। अगर सेवा कर रहे हैं तो इनकी बात सुनो, नहीं सुनो तो ये लोग मारकूटी करते हैं। आदमी लेके आते हैं, अभी 10 लड़के लेके आ गए थे मारने के लिए। रात को बदमाशी दिखाते हैं, पैसे मांगते हैं, पैसे नहीं दो तो गाली गलौज करते हैं। अभी ताला डाल के रखा है। हम लोग करीब 5-6 साल से आरती कर रहे हैं दोनों टाइम, माई की, भैरव जी की। इन लोगों ने ताला डाल दिया, आरती नहीं करने दे रहे। और चूंकि हमारी परंपरा, मतलब हमारे 3 पीढ़ियों से हमारे यहाँ मंदिर पे आने का है, पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार हमारे घर को ने कराया, जो लोग आते भी नहीं थे सर, अभी 7-8 साल से आने लगे, और ये पैसे के चक्कर में मंदिर पे आए, भक्तगढ़ ज़्यादा आने लगे तो वसूली करने लगे। कौन लोग हैं ये लोग? जी, सौरभ कब्जू, माधव भार्गव, भैयन श्रीकांत कब्जू, और ये पुजारी 2 रजिस्टर्ड हैं। जो पुजारी तो आते ही नहीं थे, अभी हमने शिकायत की, जब SP साहब और कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, तब से ये लोग आने लगे हैं 7-8 दिन से। अभी इनको पता चला होगा कुछ, तो इन लोगों ने 2 दिन से सफाई करवा दी, जब से कुछ नहीं करवाया था सर।